अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे। बागबानी में आपका शौक़ उसी तरह बरकरार होगा। हमारे कुछ दोस्तों ने फरमाइश की थी कि मनी प्लांट के बारे में, मनी प्लांट लगाने के बारे में हमें कुछ बताइए। मनी प्लांट हम जब किसी वाज या बोतल में लगाते हैं, पानी में उसे लगाते हैं, तो वो सही मानों में काम नहीं करता, कुछ दिनों के बाद वो मर जाता है। इस वक्त मनी प्लांट का ये पौधा एक बोतल में लगा हुआ है। इसे तकरीबन 6 माह पहले मैंने इस बोतल में लगाया था। इसका पानी भी कोई इतना ज़्यादा तब्दील नहीं किया। ये तकरीबन इस पानी को बदले हुए तकरीबन 2-2.5 माह हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये आपको तरोताज़ा नज़र आ रहा होगा। इसकी रूट्स भी आपको इसमें अगर आपको नज़र आ रही होंगी, रूट्स भी अच्छे से डेवलप हो रही हैं। इसकी निचला हिस्सा के बारे में कहा जाता है कि ये आमतौर पर गल जाता है पानी के अंदर, लेकिन ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। ये इंडोर पौधा है, अच्छी तरह ग्रोथ करता है। मेरे यहाँ तो इसकी बहुत वसत हो चुकी है इसकी। मैंने इसे बाहर अपने गार्डन में लगाया हुआ है और ये खेत की तरह फैल गया हुआ है। वो खेत, मनी प्लांट का खेत, आप इस वक्त लिंक आ रहा होगा। मैंने इससे पहले भी उस पर, मनी प्लांट पर, एक वीडियो अपलोड की थी, वो आपको दिखाता हूँ। वो इस लिंक, इसके ऊपर जो लिंक है उसे क्लिक कीजिए, वो वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। मनी प्लांट को घर पर लगाइए, आराइश कीजिए, मुख्तलिफ जगह पर रखिए। मैंने तो इसे मुख्तलिफ जगह पर रखा हुआ है, बहुत खूबसूरत लगता है। ख़ास तौर पर बाथरूम की खिड़की में अगर इसको आप रखें तो बाथरूम में फ्रेशनेस का एहसास बढ़ जाता है। अगर कमरों में साइड टेबल्स पर रखें तो वहाँ पर भी ये खूबसूरती में, कमरे की खूबसूरती में इजाफा करता है। मैंने इसके अलावा भी इसे रखा हुआ है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाज में, एक खूबसूरत से वाज में लगा हुआ मनी प्लांट है, जिसके बड़े बड़े पत्ते आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये देखिए, इसके ये नए फ्रेश लीव आपको नज़र आ रहे होंगे। इस पत्ते को देखिए, ये कितना फ्रेश है।
ये पानी में लगाने के लिए मैं आपको एक टोटका देता हूँ कि इसमें जब आप पानी में लगाएं तो इसके लिए और कुछ नहीं कीजिए, टैप वाटर डालिए और चंद दाने चीनी के। जी हाँ, जब हम चीनी चाय में इस्तेमाल करते हैं तो इसे भी चीनी की थोड़ी सी मिकदार पिला दीजिए। इसमें चंद दाने चीनी के डाल दें, फिर आपको ख़ासा अरसा ये फ्रेश नज़र आएगा। फिर दो चार माह के बाद आप इसका पानी बदल दीजिएगा तो ये अच्छी तरह ग्रोथ करेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।